Hello, viewers. This video is based on the explanation about the various factors which affect fermenter designing. In my previous video, I have already explained you in details about fermenters, their parts and their types. So in this video, I will emphasize on various factors that are considered important in designing and construction of fermenters. As I already explained that the fermenters are the closed vessels which provides suitable aseptic environment for microbial cell culture and to perform various reactions, and these reactions are mediated by microbial cells. For the construction and optimization of process, kai sare factors ko consider kiya jata hai. For the construction of fermenters, in factors ko hum different categories mein separate kar sakte hain, like various factors which are related with fermentation process, factor related with construction, and factors associated with microbial cells. Agar process related factors ki baat kare to isme aur bhi kai sare points consider kiye jate hain, like agitation or mixing, temperature, oxygen supply, pH and redox, air pressure inside fermenter, mass transfer, foaming, etc. Agar hum baat kare construction related factors ki jo fermenter ki designing ko affect karte hain, to isme aate hain selection of material, and agar hum cell related factors ki baat karein to in mein aate hain cells ki morphology and cells ka nature, means microbial cells are aerobic or anaerobic in nature. In sabhi factors ko individually samajhne se pehle ye dekhte hain ki ek general bioreactor ya fermenter mein kya kya features hone chahiye. तो सबसे पहले तो जो मटेरियल होना चाहिए फर्मेंटर का, that should be enough strong to hold the large volume of liquid. साथ ही मटेरियल जिससे फर्मेंटर बना है वो हीट को बियर कर सके, easily clean हो सके, chemically non-reactive हो, ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करते हैं. फर्मेंटर easily and effectively sterilize हो सके, फर्मेंटर का मटेरियल स्मूथ हो ताकि माइक्रोबियल सेल्स इस पर ग्रो न कर सकें, फर्मेंटर में प्रॉपर्ली असेंबल्ड मिक्सचर और स्टिरर्स होने चाहिए टू इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल एंड एयर फॉर बेटर माइक्रोबियल ग्रोथ. फर्मेंटर में प्रोसेस मॉनिटर करने के लिए कई सारे सेंसर्स भी लगे होने चाहिए जो प्रोसेस फर्मेंटर के अंदर हो रही है उसे प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकें और उसे कंट्रोल किया जा सके. इनोकुलम यानी कि माइक्रोबियल सेल के ट्रांसफर के लिए प्रॉपर इनलेट होना चाहिए टू एसेप्टिकली ट्रांसफर ऑफ इनोकुलम टू फर्मेंटर. टाइम टू टाइम सैंपल कलेक्ट करने के लिए सेपरेट सैंपलिंग वॉल्व होने चाहिए फर्मेंटर के अंदर. प्रोसेस कंट्रोलिंग फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, फोम, एयर प्रेशर, इनको कंट्रोल करने के लिए असेंबलीज भी फर्मेंटर में एसोसिएट होनी चाहिए. नाउ वी विल सी ईच फैक्टर्स इंडिविजुअली. सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस फैक्टर ऑफ एजिटेशन एंड मिक्सिंग से रिलेटेड. फर्मेंटर में एजिटेटर्स एम्प्लॉयड किए जाते हैं फॉर मेन थ्री रीजंस. पहला है मिक्सिंग ऑफ बल्क फ्लूड एंड एयर या गैस विच इज फिल्ड इनसाइड फर्मेंटर. दूसरा रीजन है टू इंस्टॉल द मिक्सचर्स. दूसरा रीजन है न्यूट्रिएंट मटेरियल एंड माइक्रोबियल सेल में बेटर कॉन्टैक्ट हो सके. तीसरा है इवन हीट और टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एजिटेशन की वजह से जो कल्चर मीडिया मूव करेगा तो जो टेम्परेचर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द मीडियम. फर्मेंटर में एजिटेशन से रिलेटेड जो इफेक्ट होता है उसे मिक्सिंग इफेक्ट कहते हैं. इसके अकॉर्डिंग ईच इम्पेलर के अपर साइड
एंड लोअर साइड में अलग अलग मिक्सिंग जोन्स होते हैं, बट प्रॉपर मिक्सिंग तब मानी जाती है जब इम्पेलर के अपर जोन और इम्पेलर के लोअर जोन में लिक्विड मटेरियल प्रॉपरली इंटरचेंज हो सके. मींस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का फ्लो एक हॉरिजॉन्टल लेयर के फॉर्म में न होते हुए अपर एंड लोअर डायरेक्शन में हो, ताकि मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली डिस्पर्स एंड मिक्स हो सकें. अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर की. टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन या रेगुलेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि माइक्रोबियल सेल्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही इफेक्टिवली वर्क करती हैं. प्रोडक्ट यील्ड एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है इनसाइड फर्मेंटर. मोस्टली फर्मेंटर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है बिटवीन 30-36 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन किया जाता है वो है टेम्परेचर रेंज अप टू 0.5 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए फर्मेंटर में कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम होता है, लाइक कूलिंग जैकेट जिसमें कोल्ड वाटर सर्कुलेट होता है. टेम्परेचर मॉनिटर एंड कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेस हैं जो फर्मेंटर के साथ असेंबल की जाती हैं, लाइक ग्लास थर्मामीटर, थर्मोकपल्स, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट्स एंड MIC यानी कि मिनिएचर इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइसेस. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन मीडिया, जिसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी कहा जाता है. यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन लो अमाउंट में मीडिया में डिजॉल्व होती है, और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग के लिए तीन मेथड्स यूज किए जाते हैं. पहला है ट्यूबिंग मेथड, दूसरा है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रोब, और तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोब्स. ये दो तरह के होते हैं, गैल्वेनिक एंड पोलेरोग्राफिक डिटेक्टर्स. नाउ अनदर फैक्टर दैट इज pH एंड रेडॉक्स मेजरमेंट. कोई भी फर्मेंटेशन प्रोसेस एक ऑप्टिमाइज्ड pH पर परफॉर्म की जाती है, क्योंकि मीडियम का pH माइक्रोबियल सेल्स की ग्रोथ और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. फर्मेंटेशन प्रोसेस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वजह से pH चेंज हो जाता है, इसलिए फर्मेंटर्स में pH ऑब्जर्व करने के लिए कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ये इंस्टॉल किए जाते हैं, जो बेस्ड होते हैं ऑन द चेंजेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम विच चेंजेस विद द चेंज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन लिक्विड. नाउ अनदर प्रोसेस फैक्टर दैट इज फोम कंट्रोल इन फर्मेंटर्स. फर्मेंटर्स में लिक्विड एंड गैस का सिस्टम होता है. एजिटेटर्स की मूवमेंट की वजह से एंड माइक्रोबियल रिएक्शंस की वजह से एयर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द मीडिया, और ये बबल्स लिक्विड के अपर सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोम. फोम की वजह से जो एयर फर्मेंटर के हेड स्पेस में होती है, यानी कि जो फर्मेंटर के अपर पार्ट में होती है, वो लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं आ पाती. साथ ही फर्मेंटर के अपर पार्ट में जो इनलेट्स होते हैं, वो इनलेट्स भी फोम की वजह से क्लॉग हो जाते हैं. तो फर्मेंटर में जो फोम है उसको रिमूव करना जरूरी होता है. फोम को रिमूव करने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं. फर्स्ट में जो मैकेनिकल मेथड है, इसमें एक मेटल के ब्लेड्स लगा देते हैं एजिटेटर शाफ्ट पर. ये मेटल ब्लेड्स फोम को ब्रेक करते हैं, इन्हें कहा जाता है फोम ब्रेकर. दूसरा मेथड है केमिकल मेथड. इसमें फर्मेंटर मीडिया में केमिकल एंटी फोमिंग एजेंट्स ये मिला दिए जाते हैं, लाइक इनसॉल्युबल ऑयल्स, पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन या अदर सिलिकॉन्स, कुछ एल्कोहल्स, स्टीरेट्स,
ये ऐड किए जाते हैं एज ए एंटी फोमिंग एजेंट. अनदर फैक्टर इज एयर प्रेशर. इनसाइड फर्मेंटर्स, फर्मेंटर के अंदर गैस प्रेशर को काफी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है बिकॉज एरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल सेल्स टू सर्वाइव एंड देयर प्रॉपर ग्रोथ. फर्मेंटर में इनसाइड एयर प्रेशर मेजर करने के लिए बॉर्डन ट्यूब या स्ट्रेन गॉज का यूज किया जाता है. इन सेंसर्स को फर्मेंटर में इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं कि इनकी सरफेस पर कोई जो मटेरियल है वो डिपॉजिट ना हो और साथ ही साथ कोई माइक्रोबियल ग्रोथ भी ना हो. नाउ वी मूव टू अनदर फैक्टर विच इज एसोसिएटेड विथ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मेंटर्स या बायोरिएक्टर्स. फर्मेंटर्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वर्क लाइक for the use in research lab or for use in the pilot plant scale up plants or industrial production purpose. इसलिए इनका जो construction material है वो भी अलग अलग होता है. Generally जो small fermenters हैं which are used in the lab, they are made of borosilicate glass या stainless steel, but generally borosilicate glass के fermenters lab या research purpose के लिए use किए जाते हैं. लार्ज फर्मेंटर्स स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं. एक अलॉय जिसमें 18% क्रोमियम, 8% निकल एंड 3% मॉलिब्डेनम है, दैट इज कंसीडर्ड बेस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मेंटर्स. जो मटेरियल सिलेक्ट किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मेंटर या बायोरिएक्टर, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लाइक उस मटेरियल में प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि इट कैन होल्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विड इनसाइड इट. मटेरियल नॉन रिएक्टिव एंड नॉन लीचेबल होना चाहिए, मींस जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स मीडिया में रिलीज या लीच आउट ना हो. मटेरियल ऑक्सीडाइज ना होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, क्योंकि मीडिया का पीएच समटाइम्स मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है. मटेरियल इजीली क्लीन हो सके, स्मूथ सरफेस हो ताकि उस मटेरियल पर माइक्रोबियल सेल्स या कोई भी मटेरियल डिपॉजिट या अटैच ना हो सके. मटेरियल को इजीली मोल्ड किया जा सके, उसे फोल्ड किया जा सके, उसको वेल्ड किया जा सके, या जिसे कहते हैं कि मटेरियल शुड बी इजीली फैब्रिकेटेड ताकि उसे हम कंस्ट्रक्शन में इजीली यूज कर सकें और उसमें कोई भी क्रैक्स प्रोड्यूस ना हो. एंड एट लास्ट देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद माइक्रोबियल सेल्स जो फर्मेंटर में कल्चर की जा रही हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी यूजफुल प्रोडक्ट. इन सेल्स के अकॉर्डिंग भी फर्मेंटर की डिजाइन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं. Especially it depends on the type of cells, that is either aerobic or anaerobic. Aerobic cells के केस में एयर या ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन की जाती है, बट ये एयर जब फर्मेंटर के अंदर सप्लाई की जाती है तो किसी भी तरह के कंटेमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए, यानी किसी भी तरह का कंटेमिनेशन ना हो उसके लिए, इस एयर या गैस को पहले हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स यानी कि हेपा फिल्टर्स, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, इन हेपा फिल्टर से पास करते हैं और ये स्टेराइल एयर फर्मेंटर में सप्लाई की जाती है. मींस फर्मेंटर में जो एयर सप्लाई होगी दैट शुड बी प्रॉपरली स्टेराइल. तो फर्मेंटर्स के साथ हेपा फिल्टर की असेंबली भी एसोसिएट की जाती है. फर्मेंटर में एजिटेटर की स्पीड और इम्पेलर की जो एजेस हैं उनको भी माइक्रोबियल सेल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है. लाइक कुछ माइक्रोबियल सेल्स स्फेरिकल हैं, कुछ फिलामेंटस हैं, तो जो स्फेरिकल सेल्स हैं वो शियर इम्पैक्ट से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती. इस केस में इम्पेलर की एजेस शार्प भी हो सकती हैं और
जो एजिटेशन है उस एजिटेशन की स्पीड हाई भी हो सकती है. बट इन द केस ऑफ फिलामेंटस माइक्रोबियल सेल्स, यानी ऐसी माइक्रोबियल सेल्स जो फिलामेंटस हैं या लॉन्ग हैं, अगर एजिटेशन की स्पीड हाई रखी गई तो इम्पेलर्स की जो एजेस हैं अगर वो शार्प हैं तो फिलामेंटस माइक्रोबियल सेल डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं और उनकी स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से भी फिलामेंटस माइक्रोबियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं. तो इस तरह माइक्रोबियल सेल्स भी फर्मेंटर की डिजाइनिंग पर इम्पैक्ट डालती हैं. So these are various factors which affect designing of fermenters. Hope you will like this video. Thanks for watching.